बढ़ने की वजह से मोदी सरकार निशाने पर है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल को इस बढ़ोतरी पर हैरानी नहीं है। उनका कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए देश में बाहर ले जाना वैध है। गोयल ने कहा कि स्विट्जरलैंड से समझौते के तहत हमें 1 जनवरी 2018 से साल के अंत तक की सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ऐसे में पहले से ही इसे ब्लैक मनी कहना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि इस पर सरकार की निगाहें और अगर यह ब्लैक मनी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। बीते साल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत 1 जनवरी 2018 से दोनों देश ट्रांजैक्शन और टैक्स से जुड़ी जानकारियां का आदान प्रदान करेंगे। हालांकि यह भी तथ्य है कि 2017 में स्विस बैंकों ने भारतीयों की ब्लैक मनी में 50% का इजाफा हुआ है। स्विस बैंकों से 2017 की जानकारियां सरकार को मिल सकेंगी या नहीं, इस संबंध में पीयूष गोयल ने जानकारी नहीं दी। दरअसल स्विस बैंकों में भारतीयों की ब्लैक मनी में 50% का इजाफा हुआ है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंक खातों में भारतीयों द्वारा रखा गया धन 2017 में 50% बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद लगातार 3 साल काले धन में कमी आई थी, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले के बाद इसमें अचानक बढ़ोतरी हुई है। स्विस बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं वह 2017 के हैं और नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू हुई थी। यानी साफ है कि नवंबर 2016 और 2017 के बीच सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था तो इसे काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था।